सुप्रभात बच्चों, मैं आपके समक्ष अध्याय संख्या 18, अध्याय का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैम ने यह पाठ आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी है, आज इसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे। प्रश्न 1, नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर का जिसका कभी अंत ना हो, अनंत नंबर का काम से जी चुराने वाला। कामचोर काम से जी चुराने वाला कामचोर। नंबर ग जमीन पर रहने वाला। थलचर नंबर घ फूल रखने का पात्र। फूलदान नंबर ड कम खर्च करने वाला। प्रश्न 1, नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर को जिसका कभी अंत ना हो, अनंत।
नंबर ख, काम से जी चुराने वाला कामचोर। नंबर ग, जमीन पर रहने वाला थलचर। नंबर घ, फूल रखने का पात्र फूलदान। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। नीचे दिए वाक्यांशों एवं शब्दों का उचित मिलान कीजिए। नीचे दिए वाक्यांशों एवं शब्दों का उचित मिलान कीजिए। नंबर का जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर नंबर ख, जो ताला ना जा सके। अटल नंबर ग, जहां पहुंचना कठिन हो। दुर्गम नंबर घ, जो सुन ना सके। बाहिर नंबर अप
सत्य बोलने वाला। सत्यवादी, नीचे दिए वाक्यांशों एवं शब्दों का उचित मिलान कीजिए, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जो टाला ना जा सके, अटल, जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम, जो सुन ना सके, बाधिर, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। प्रश्न 4, मोटे छपे शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। नमक का मेरा मित्र काम से जी चुराता है, मेरा मित्र काम से जी चुराता है। उत्तर, मेरा मित्र कामचोर है। नंबर ख, मैं एक गांव में रहने वाला हूँ। उत्तर, मैं एक ग्रामीण
नंबर ग, मेरी माँ मीठी वाणी बोलती है। उत्तर, मेरी माँ मृदुभाषी है। मेरा मित्र काम से जी चुराता है। उत्तर, मेरा मित्र कामचोर है। मैं एक गांव में रहने वाला हूँ। मैं एक ग्रामीण हूँ। मेरी माँ मीठी वाणी बोलती है। उत्तर, मेरी माँ मृदुभाषी है। आज का होमवर्क है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने का अभ्यास करें तथा उसे याद करें। थैंक यू।